हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा चंद्रा, मम्मीज डिलीशियस डिशेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज मैं बनाने जा रही हूँ चॉकलेट बर्फी, और बहुत ही सिंपल है और 10 मिनट में बन जाती है। और हम बना रहे हैं भैया दूज स्पेशल चॉकलेट बर्फी। आप इसे किसी भी फेस्टिवल पे भी बना सकते हैं, दिवाली पे, भैया दूज पे, राखी पे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम लेंगे 2 टेबल स्पून घी, 1/2 कप लिया है हमने मिल्क, अभी गैस हमने ऑन नहीं की। 2 कप हम डालेंगे मिल्क पाउडर, अब इसको मिला देंगे। गैस कर दिया हमने ऑन और हम गैस को लो रखेंगे, हमें 2 मिनट हो गए इसे चलाते हुए। 1/4 कप पाउडर शुगर, आप चीनी भी ले सकते हैं। इसे आराम आराम से चलाते रहेंगे और हम इस लंच बॉक्स में जमाएंगे बर्फी को। आप किसी भी कंटेनर या थाली में जमा सकते हैं। मैंने इस पे घी ग्रीस करके एल्युमिनियम फॉइल लगा के और उसके ऊपर भी घी ग्रीस कर दिया है। आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे कोको पाउडर 2 टेबल स्पून, इसको मिलाते रहेंगे। अब हमारी कुछ ही देर में तैयार हो जाएगी बर्फी। अगर आपके पास लाइट कोको पाउडर है तो आप 1/2 चम्मच और डाल सकते हैं, या अगर आपको लाइट पसंद है चॉकलेट बर्फी तो आप 2 ही टेबल स्पून डालो। मैंने 1 चम्मच घी और डाला है क्योंकि मेरी कढ़ाई का बॉटम हैवी नहीं था। अगर आपकी कढ़ाई का हैवी बॉटम है तो आप घी ना डालें। फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा सा लेके देखेंगे। गैस कर दी हमने बंद। ये देखिए, इसकी गोली बनने लगी। यह हम अब हमारा चॉकलेट बर्फी के लिए तैयार है। ये देखिए, अब हम इसमें वैनिला एसेंस की थोड़ी सी ड्रॉप्स डाल देंगे, 7 से 8 बूंदे। आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम इसे इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, मैं चांदी का वर्क लगा रही हूँ। आप पिस्ते से भी गार्निशिंग कर सकते हैं। अब इसको रूम टेम्परेचर पर आने देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। फिर हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे। फिर हम उसके बाद काट के आपको दिखाएंगे। और हमारी 10 मिनट में ही बर्फी बनी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें इसमें। फ्रेंड्स, हमारी इस बर्फी को हो गया 1 घंटा। अब हम इसको निकाल देंगे और इसका एल्युमिनियम फॉइल भी निकाल देंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसको काट देंगे। फ्रेंड्स, हमारे सारे पीस कट गए। फ्रेंड्स, देखिए कितनी बढ़िया और कितनी सॉफ्ट बनी है, और बहुत ही सिंपल तरीके से बनी हुई है। आप भी बनाना, ट्राई करना और मुझे कमेंट में जरूर बताना आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। फिर मिलूंगी डिलीशियस डिशेस रेसिपी के साथ। थैंक यू।